गेंदबाज़ तनय अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करने के लिए तैयार है चेतन। पहली गेंद आक्रामक स्ट्रोक, अपने इरादे जाहिर किए, गेंद डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, चार रन। व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है, लाजवाब चौका। इस चार रन के साथ बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम का अकाउंट जरूर ओपन किया है। आने वाले वक्त में काफी बेहतरीन टूर्नामेंट्स इसी गांव में, इसी सरजमी पर आपको जरूर देखने मिलेंगे। हाल ही में आप देख सकते हैं 26 जनवरी के दिन एक टूर्नामेंट जो कि एमसीसी स्पोर्ट्स हर साल कराती है, वो टूर्नामेंट होगा। उसके बाद उससे पहले आप जरूर देखेंगे यहाँ पर नाइट स्पर्धा यानी नरेश स्पोर्ट्स की ओर से आयोजित एक बेहतरीन टूर्नामेंट, और साथ ही साथ टी आर चषक 2019 आपको जरूर देखने मिलेगी। बिल्कुल अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, अतिरिक्त रनों में 2 रन और शुमार होता हुआ। और आने वाले वक्त में पुष्पात्र भाईंदरपाड़ा की ओर से भी एक टूर्नामेंट जरूर रखी गई है। मानी श्री बालकृष्ण पाटिल साहब यहाँ पर उपस्थित है, इनका हम स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुशांत मुकादम जी जो कि आज बर्थडे बॉय है, इनके शुभ हाथों से यहाँ पर आपका स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपका स्वागत और सत्कार जरूर किया। हमारे जितने भी मुख्य अतिथि उपस्थित हो रहे हैं, अपना आशीर्वाद सुशांत मुकादम साहब को दे रहे हैं, हम उनका स्वागत और सत्कार यहाँ पर जरूर करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य इस वक्त स्टेज का नजर आता हुआ, इस वक्त आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, गेंद डॉट के रूप में रही, इस डॉट के साथ अच्छी वापसी करने की कोशिश करते हुए तन्मय बिल्कुल तन्मय बिल्कुल अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, कामयाबी जरूर मिलती हुई, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए फरार, 4 रन, क्या बात है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ इस वक्त 10 रन। सुशांत मुकादम साहब के जन्मदिन के अवसर पर इस टूर्नामेंट को रखा गया, यंगस्टर्स काफी खेलते हुए नजर आए इस ग्राउंड में। बिल्कुल, खासकर अमित भाई की अगर बात करें तो सबसे उभरते सितारे, यंगस्टर की सूची में सबसे अव्वल दर्जे पर आने वाला ये खिलाड़ी। बिल्कुल, काफी बड़े बड़े सितारे और उभरते हुए सितारे जरूर देखने मिले। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, 1 रन दौड़ कर पूरा किया और सोने पे सुहागा, 1 के साथ 1 फ्री, वाइड पर 22 फ्री और स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। शेदोबाग स्पोर्ट्स वाटपिल 40+ दोनों टीम के कैप्टन आपको आमंत्रित किया जा रहा है टॉस के लिए, 40+ कैप्टन। बिल्कुल, आज का दिन यानी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट डे, बर्थडे और साथ ही साथ क्रिकेट डे, क्रिकेट की मेजबानी यहां पर जरूर नजर आती है। अगली गेंद, इस बार 20 स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में और ये विकेट का बदम होता है, व्हाट अ कैच, क्या बात है, लाजवाब कैच। यहां पर विकेट जरूर गिरा है और विकेट के साथ साथ एक सपना जरूर जरूर यहां पर टूटता हुआ नजर आया। इस वक्त नंदू विकेटों के बीच में जाते हुए नजर आ रहे हैं। नंदू की अगर बात करें तो इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं और बिल्कुल इस वक्त रनों की ज्यादा जरूरत है। तनय की अगर बात करें तो 4 गेंदों में खर्च कर चुके हैं 12 रन, 1 विकेट अपने नाम किया है, 2 गेंदें अभी भी आना शेष है, जीत के लिए 45 रनों का खर्चा करना है। रिक्वायर रन रेट की अगर बात करें तो हर ओवर में 15 रन बनाने जरूरी, तब जाकर इस मैच में जीत हासिल कर सकती है ये टीम सुनील स्पोर्ट्स वाटपिल। तनय फिर से एक बार सज्जे होते हुए, न्यान सामना करने के लिए तैयार होते हुए, न्यान की अगर बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी की है, न्यान ने 4 रन अपने बल्ले से इन्होंने जड़े हैं, 2 गेंदों का सामना किया है। इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी, गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं,
स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर। एक गेंद अभी भी आना शेष है, एक गेंद अभी भी आना बाकी है तने की, और सामना करने के लिए तैयार है नंदू। नंदू नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, देखना ये होगा कि किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तने सच्चे होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर नंदू फील्डिंग को मारते और भागते हुए, पावर प्ले का बंधन जारी है, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात है, लेग साइड के क्षेत्र में हम देख सकते हैं, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। इस बीच ये गेंद इस बार करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार, व्हाट अ हिट। नंदू ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 19 रन। छब्बीस रनों की जरूरत है, 12 गेंदे 26 रन, 12 गेंदे 26 रन। रिक्वायरमेंट रेट की अगर बात करें तो हर ओवर में 13 रन बनाने जरूरी। मैच आहिस्ते आहिस्ते रंग और रूप बदलता हुआ, कलर चेंज करता हुआ। मनोज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है इस वक्त मनोज ने। मनोज की अगर बात करें तो एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में। इस वक्त रनों को रोकने के लिए उन्हें भेजा गया है, और देखने वाली बात यह है दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छे फॉर्म में हैं, दोनों ही बल्लेबाज अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनोज पावर प्ले का बदला छूटता हुआ टीम में फील्डिंग को तैनात किया जा रहा है, ऑफसाइड देख सकते हैं, एक डीप पॉइंट, एक खिलाड़ी कवर्स के क्षेत्र में, एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। उसी तरीके से यहां पर लेग साइड की व्यूरचना देख सकते हैं, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट, एक काउ कॉर्नर और एक मिड ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन। इस तरीके से लेग साइड को पूरी तरीके से पैक कर कर खड़ा किया गया है। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज मनोज अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार ये गेंद टप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई, अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर। जीत के लिए 25 रनों की और जरूरत 25 रन टू विन, बची हुई 12 गेंदें शेष, 12 गेंदें अभी भी आना शेष। इस बीच ये गेंद इस बार पूल किया है और ये गेंद डीप विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी का हिट, दिस इज अ सिक्स, बिग प्ले सिक्स, कैच पकड़ने के बाद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। जजमेंट होना जरूरी, राज क्या किया तुमने आज, राज 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर ने लगाई चैलेंज, स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। 40+ के कैप्टन आपको आना है, टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है, दोनों टीम के कैप्टन आ चुके हैं, तो प्लीज टॉस की प्रक्रिया में पूरी करने के लिए यहां पर सुशांत मुकदम सर से रिक्वेस्ट करूंगा। और ये देखिए बीमा डिलीवरी, डेंजर डिलीवरी, मनीषी राम मुकदम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 40+ के जो टीम्स के मैचेस होने हैं टॉस आपके शुभ हाथों से यहां पर किया जाए, आपके शुभ हाथों से यहां पर टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाए और आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बरकरार रहे इस टूर्नामेंट पे। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार मनोज, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था लेकिन रेंज में गेंद नहीं आई, गेंद शरीर से जा टकराई, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 27 रन। 3 ओवरों का मुकाबला होगा, 40+ कैप्टन ये चीज ध्यान में रखें, 3 ओवरों का मुकाबला खेला जाएगा और टॉस जीता है, शिंडोबा स्पोर्ट्स ने अपना निर्णय आपको बताना है। 3 ओवर का ये मैच होगा, ये चीज ध्यान में रखें। पहला ओवर पावर प्ले, स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पर। फील्डिंग, यस सर, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है शिंडोबा स्पोर्ट्स हसन मुडोले की टीम ने, दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड बॉय कैप्टन अगर आप यहां पर उपस्थित हैं तो आपको संपर्क साधना है,
हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आपको टी शर्ट प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त रनों में एक रन और शुमार होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त रनों की रन संख्या दर्शाती हुई 30 रन। गुड बॉय दिवे केवनी दिवे पहला तुला बसून छक्का मारे तुला 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 30 रन हो चुके हैं 15 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए। गेंदें बची हैं लगभग 4 गेंदें शेष इस ओवर की 4 गेंदें यानी 10 बॉल में 15 रन की जरूरत। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास मिस टाइमिंग स्ट्रोक गेंद हवा में राज वहां पर मौजूद थे अच्छी कैच को लगता विकेट का बदला हुआ और न्यान की जीत की समाप्त है। कती रन पाहिजे ना आता नको द्या 18 याद येते ना नाही मध्ये फिरत नाही का तो ही डगरा खरा लागे नाही या उरते दिसतरी वरती आहे 9 गेंदे और 14 रन थोड़ी सी यहाँ पर चूक हुई थी हमारे से स्कोरिंग में इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और अब मैच का सिचुएशन कुछ इस प्रकार का दर्शाता हुआ 31 रन हो चुके हैं जीत के लिए 14 रनों की जरूरत 9 गेंदे शेष मनोज काफी महंगे साबित हुए काफी लंबा ओवर रहा मनोज की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार है नंदू इसी बीच ये गेंद इस बार नंदू मिस टाइमिंग स्ट्रोक कर बैठे गेंद हवा में खिलाड़ी गेंद के नीचे कोई गलती नहीं कोई चूक नहीं विकेट का बदलाव होता हुआ नंदू की इनिंग की समाप्ति। दोनों ही टीमों की अगर बात करें दोनों ही टीमें वाकफी की है दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी चुनौती देनी हुई इस वक्त नजर आ रही है एक तरफ नंदू तो दूसरी तरफ पंकज इस तरह की जोड़ी आपने सामने नजर आती हुई ऑपोजिट में 3 खिलाड़ी तो ऑपोजिट में इस तरफ 3 खिलाड़ी नजर आ रही है टफ एनकाउंटर मैच जारी है टीम दोनों ही वाकफी की कौन सी टीम है जो दीवा के साथ है यानी बिल्कुल केवनी दीवा के साथ जरूर भिड़ेगी गुड बॉय केवनी दीवा के साथ खेलने वाली कौन सी टीम होगी जरूर हम देखेंगे। चलिए के हाथों में एक अच्छी वापसी की उम्मीद है किरण दर्शाते हुए विकेट लेकर कार्पेट के सारे खेला गया स्ट्रोक बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे फॉलो थ्रू में अगर इस गेंद को पकड़ लेते तो आज के दिन की सबसे सुंदर कैच की सूची में ये कैच जरूर शुमार होती लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं स्कोर देख सकते हैं 32 रन हो चुका है टीम के लिए 13 रनों की और जरूरत है गेंदें बची है सिर्फ और सिर्फ 7 गेंदे शेष 13 रन की सात 13 का मुकाबला इस बीच ये गेंद अगर ये गेंद पर प्रहार करते तो शायद कुछ ज्यादा रन आ सकते थे लेकिन मिस करना भारी पड़ सकता है। अब 6 गेंदे शेष और जीत के लिए 12 रनों की दरकार पहले हाथों घेतला रास्ता इथे बाहेर दे का जा बोललो नाही पहले तिमेस वजा आपल्या बोलतो पाची मार्क आता होई मायनस किया असा लागली शेडोबा स्पोर्ट्स वर्सेस वाकपील के बीच 40 प्लस का अगला मुकाबला खेला जाएगा तो शेडोबा स्पोर्ट्स ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है
और अपनी सहयोगी टीम को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। स्पोर्ट्स मैच समाप्ति के बाद ताबड़तोड़ ग्राउंड का ताबा लेना है और मैच की शुरुआत के लिए समय नहीं है, इसलिए आपको ताबड़तोड़ ग्राउंड के अंदर जाकर अपनी फील्डिंग सजानी है। 40+ कैप्टन, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ताबड़तोड़ मैच की समाप्ति के बाद ग्राउंड का ताबा जरूर ले लें। 6 गेंदे 12 रन सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाजी का संभाला है रोमित ने। रोमित सज्जे होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करने के लिए तैयार पंकज। पंकज एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी अपनी टीम में। इस बीच लेफ्ट हैंडर है। पहली गेंद डॉट के रूप में रही। 5 गेंदे 12 रन पंकज वर्सेस रोमित। इसके बीच के गेंद यहां पर सुसाइड आत्महत्या के रूप में विकेट का खत्म होता हुआ। पंकज ने मैच को थोड़ा सा गर्म पानी मिला दिया है 2 गेंदे डॉट करकर। अब यहाँ पर कप्तानी पारी खेलनी होगी गणेश मनेरा को। मैच बगाना मिस्टर करा हेमकान न्यू बैट्समैन अपना करा। पंकज ने 2 गेंदे डॉट करने के बाद अपने कप्तान पे एक दबाव छोड़ दिया है। इस जिम्मेदारी से अगर निकलना है तो इस वक्त गणेश मनेरा को बची हुई 4 गेंदों में बनाने होंगे 12 रन। कैप्टनी पारी खेलनी होगी, कप्तानी पारी खेलनी होगी जब जाकर अपनी टीम को जीत की राह तक पहुंचा सकते हैं। जिम्मेदारी जवाबदारी खुद सेनापति पर। क्या सेनापति इस मैच को जीत में तब्दील कराकर दे पाएंगे या फिर यहां पर रोहित मैच का दृश्य चेंज करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, 4 गेंदे जरूर फैसला करेंगे और इन 4 गेंदों में क्या रिजल्ट होगा वो हम तक के जरूर पहुंचेगा। इस बीच ये गेंद, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ मैच में एक और ट्विस्ट जरूर बढ़ता हुआ। अब 11 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, 4 गेंदे शेष। अगली गेंद, इस बार ये तेज तर्रार गेंद थी, जोरदार अपील। अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी। गेंद डिक्लेयर जोन की ओर, यस अंपायर का इशारा, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की ओर, डिक्लेयर जोन की ओर गेंद जरूर गई है लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक गणेश ने अपने हाथ में नहीं रखी, उन्होंने हेमकांत के हाथ में स्ट्राइक दी है। बिल्कुल, अगर गेंद डिक्लेयर जोन में जाती है आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको जो भी बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी है विकेटों के ऊपर, वो बल्लेबाज स्ट्राइक ऊपर हो या फिर नॉन स्ट्राइक हैंड पर हो वो ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने यहाँ पर मौका दिया है हेमकांत को कि इनके पास स्ट्रोक है। 3 गेंदे और जीत के लिए 10 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 10 रन, इस बल्लेबाज के पास कैपेसिटी है। ये बल्लेबाज बड़े हिट लगाने में माहिर है लेकिन रोमित की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं रोमित। इसी बीच ये गेंद, इस बार करार प्रहार, गेंद डीप मिडिल की बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। ओल्ड हिट, ब्यूटीफुल शॉट, ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल, अगर आप राइस जो चावल होता है उसे कितना भी पुराना कर लो खाने में बहुत बढ़िया होता है, उसी तरीके का दृश्य। इन्हें काफी टाइम तक के बहुत सी टीमों ने बिठाया लेकिन इन्हें जब मौका मिला तो इन्होंने अपनी खुशबू बिखेरी है और क्या स्ट्रोक लगाया है और मैच रोमांच भर दिया है। इसे कहते हैं मुकाबला, इसे कहते हैं मैच है। और इस मैच में अगर एक और बड़ा हिट लगा तो आज के दिन का सबसे बड़ा हीरो होगा वो होगा हेमकांत। कंपल्सरी चेसिंग है, 2 गेंदे शेष है, 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत है। एक रोशनी जरूर आई है और ये रोशनी धुंधली होगी या फिर पूरी क्लियर होगी, क्या होगा ये देखने वाली बात जरूरी। रोमित फिर से एक बार सच्चे होते हुए, हेमकांत एक बड़ा हिट लगाकर खड़े हुए हैं, उन्हें पता है अगर एक आधा ओवर पिच या एक आधा शॉर्ट पिच गेंद मिली तो ये सफर करेंगे। ये बल्लेबाज बख्शेंगे नहीं क्योंकि ये बल्लेबाज वाकफी के वाक है, इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार रोहित, इस बार ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, स्ट्राइकर 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 चला ऊंचा
पूरा किया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, एक पाइजे तीन रन दौड़ कर पूरे हो गए, तीन रन यस सर, एक वाइड के रूप में आया है और दो रन यहाँ पर मुकम्मल किए। मैच की दशा और दिशा चेंज हो चुकी है, एक रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, दो गेंदों में एक रन की जरूरत इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। का मुकाबला कहाँ आ चुका है, इधर का मैच किधर आ गया, क्या कहा जाए, दो गेंदों में जीत के लिए रनों की जरूरत थी लगभग काफी ज्यादा, तीन गेंदों में 10 रन की जरूरत थी और मैच का सिचुएशन देखिए, दो गेंदे एक रन, यानी एक गेंद में रोहित ने खर्च किए 9 रन। अभी भी मैच बाकी है, अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि दो गेंदे अभी भी शेष है, एक आधा गेंद अगर डॉट हो गई तो टेंशन होगा, काफी बड़ा टेंशन होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। एक रन की जरूरत, इस बार ये बड़ा शॉट इस मैच को जीत लिया है सुनील स्पोर्ट्स एग्रीगेट, कांग्रेचुलेशन सुनील स्पोर्ट्स वाकिल, लेट एंड वेट वाकिल, लेट एंड वेट क्या बात है, और इस मैच का हीरो कौन होगा, यस सर, इस मैच का हीरो है इमरान जिस